ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा राइस बुंदा। आप इसको घर पर बनाइए, खाइए, ये खाने बहुत टेस्टी लगते है। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राइस बोरा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन जरूर दबा, क्योंकि मेरे नया रेसिपी पहले आपको मिले। राइस बॉल के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हम चाहे राइस, मैंने लिया 3/4 कप राइस, एक आलू बॉइल कर रखा है, आधा टमाटर को बारीक काट कर रखा है, ब्रेड क्रम, धनिया पत्ता, हरा मिर्ची, एक प्याज को काट कर रखा है, एक अंडा, नमक, काला मिर्च। एक बर्तन में ये राइस डाल देंगे, इसको हाथ में अच्छा से मसल देंगे। चुके अब हम इसमें ये बॉईल किया आलू डालकर अच्छा से मिक्स कर लें। अब हम इसमें हरा मिर्ची, धनिया पत्ता भी डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे और एक चम्मच ब्रेड क्रम डालेंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर। और इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और अंडा का येलो पार्ट से इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा काला मिर्च भी डाल लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, गोला कर दे। इस तरह गोला करना है। ये देखिए सारा गोला तैयार हो चुका है। अब हम ये अंडा में थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बॉल को अंडा में ऐसे डुबा कर, ब्रेड कॉर्न में ऐसे लपेट कर इस तरह अंडा में डुबा कर ब्रेड क्रम्ब में ऐसे लपेट कर रख दें। सारा गोला मैंने तैयार कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। कढ़ाई में मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है, रिफाइन ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम ये राइस बुंदा फ्राई करेंगे। अब हम इसको पलट देंगे।
से पलट देंगे। सीम कर देंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। सारा बंडा फ्राई हो चुका है, मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसी तरह राइस बंडा घर पर बनाइए, खाइए, ये खाने बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।